सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और दबाइए इस बेल आइकॉन को लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, घरेलू शिक्षा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम बताएंगे आपको पैन कार्ड बनाना, जो बिल्कुल फ्री है। इसमें आपको पैसा देने का जरूरत नहीं है, ये बिल्कुल फ्री है दोस्तों। और ये 2 मिनट के अंतर्गत इसको आप डाउनलोड भी कर सकते हैं और आप पैन कार्ड पा सकते हैं। अभी तो आप जानते ही होंगे दोस्तों कि पैन कार्ड का कितना जरूरत पड़ता है। जैसे बैंक अकाउंट खुलवाना हो तो वहाँ भी बिना पैन कार्ड का हमारा बैंक अकाउंट नहीं खुलता है। और भारत सरकार ने एक नया वेबसाइट लॉन्च किया है, जिसके तहत अगर हम पैन कार्ड बनाते हैं तो बिल्कुल फ्री है, फ्री में बना सकते हैं। इसके लिए हमको अमाउंट देने का जरूरत ही नहीं है और इसे 2 मिनट के अंतर्गत डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं किस तरीके से बनाते हैं पैन कार्ड। पैन कार्ड बनाने के लिए सबसे पहले गूगल क्रोम में जाएंगे। गूगल क्रोम में जाकर सर्च बार पर लिख देंगे ई फिलिंग लिखेंगे दोस्तों। ये लिख के सर्च कर देंगे। सर्च करने के बाद जो फर्स्ट लिंक आएगा उसमें लिखा रहेगा ई फिलिंग होम पेज इनकम टैक्स डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ। इस वेबसाइट में जाकर क्लिक कर देंगे। जैसे क्लिक करेंगे हम एक नए पेज पर पहुंच जाएंगे। वहां पर जाएंगे तो एक विज्ञापन का पेज ओपन रहेगा, उसे हमें क्लोज कर देना है। राइट साइड में देखेंगे तो सेकंड नंबर में लिखा है इंसर्ट पैन कार्ड एथोर आधार कार्ड, उसमें जाकर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर आएंगे तो हमको 2 ऑप्शन दिया हुआ है। पैन कार्ड बनाना है तो गेट न्यू पैन में क्लिक करेंगे और अगर हमको स्टेटस देखना है क्लिक स्टेटस डाउनलोड पैन में देखेंगे। हमें अभी पैन कार्ड बनाना है, चलिए हम एक न्यू पैन कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं। गेट न्यू पैन पर क्लिक करेंगे। अब सबसे पहले यहाँ आधार कार्ड नंबर डालेंगे, उसके बाद में यहाँ जो कैप्चा लिखा है वैसे ही हमको सेम यहाँ डाल देना है। अब आपको यहाँ पर कंफर्म करना है कि आपका पहले से पैन कार्ड तो नहीं है। अगर आपका पहले से पैन कार्ड होगा तो आप नहीं बना पाएंगे। आपके आधार के साथ मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होना चाहिए। अगर आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड नहीं होगा तो आप ये नहीं बना पाएंगे। आपके आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। अगर आपके आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ नहीं है तो भी आप नहीं बना पाएंगे। तो आपके आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए और साथ ही आप माइनर नहीं है। इन सब चीज को कंफर्म करेंगे, उसके बाद फिर ये चेक बॉक्स को क्लिक कर देंगे। उसके बाद फिर आप यहाँ पर कंफर्म पर क्लिक करेंगे। उसके बाद फिर जनरेट आधार ओटीपी पर क्लिक करेंगे तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर में ओटीपी आएगा, उसे यहाँ टाइप कर दें। उसके बाद चेक बॉक्स को क्लिक कर देंगे। उसके बाद वैलिडेट आधार ओटीपी एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। यहाँ पास आपका सारा डिटेल आधार कार्ड से आ जाएगा। आधार के हिसाब से आधार में जितना भी डिटेल रहता है वह डिटेल यहाँ आपको दिखाई देगा। आपका जो आधार में फोटो रहेगा वही फोटो यहाँ पर शो करेगा, तो पूरे डिटेल यहाँ आ जाएगा। आधार कार्ड से आपका सारा डिटेल ले लिया जाएगा। यहाँ आपको 3 चीज कंफर्म करनी है। पहला है आपने पैन कार्ड का नहीं बनवाया है। दूसरा है अगर आपके पास पैन कार्ड पहले से बना हुआ पकड़ा गया तो आपको 10,000 तक का डेमेजी लगाई जाएगी। यहाँ तीसरा में आधार कार्ड से पैन कार्ड बनाने का परमिशन दे रहा है। उसके बाद चेक करेंगे सबमिट पैन रिक्वेस्ट पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपका पैन कार्ड का रिक्वेस्ट को ले लिया है, नंबर दे दिया है। यहाँ हमको 2 मिनट के लिए रुकना है दोस्तों। 2 मिनट हो जाने के बाद क्लिक स्टेटस पर जाकर क्लिक करेंगे। आप यहाँ से भी अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं दोस्तों, और जो हम पहले गए थे उस वेबसाइट से भी आप जाकर कर सकते हैं। जो पहले हम गए थे जहाँ से अपना पैन कार्ड बनाना स्टार्ट किए थे वहाँ से भी हम जाकर अपना पैन कार्ड का स्टेटस चेक कर सकते हैं। तो यहाँ से भी हम कर सकते हैं और वहाँ से भी जाके कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं, यहाँ से तो देख लिए, अब वहाँ से कैसे आएंगे। अगर किसी कारणवश यहाँ से हट जाता है तो हमको फिर से चले जाना है दोस्तों, ई फिलिंग पर जाकर फिर से वहाँ आ सकते हैं जहाँ हमको स्टेटस चेक करना है। यहाँ क्लिक कर देंगे। चेक करने के लिए सबसे पहले आधार नंबर डालेंगे, उसके बाद जो कैप्चा कोड रहता है उसे हम यहाँ डाल देंगे। जैसा दिया हुआ है वैसे ही हम इसमें टाइप कर देंगे। सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे दोस्तों एक ओटीपी जाएगा मोबाइल पर, रजिस्टर्ड मोबाइल पर। उस ओटीपी को यहाँ डाल देना है और सबमिट कर देना है। एक चीज और बता दूं दोस्तों, ओटीपी आने में कहीं लेट हो तो आप रीसेंड कर ले ओटीपी को। रीसेंड का भी ऑप्शन यहाँ मिल जाता है। जैसे यहाँ सेकंड लिखा रहा है, जैसे ये
सेकंड जीरो हो जाता है तो वो फिर वो ओटीपी रहता है वो एक्सपायर हो जाता है। तो आपको एक नया ओटीपी जनरेट करने के लिए रीसेट कर सकते हैं ओटीपी को, फिर नया ओटीपी को आप यहाँ डाल सकते हैं, उसके बाद फिर सबमिट कर देंगे। जैसे सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे हमारे पास डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा, डाउनलोड पिन पर जैसे क्लिक करेंगे हमारा पिन कार्ड डाउनलोड हो जाएगा। देखिए दोस्तों यहाँ हमारा पिन कार्ड डाउनलोड हो गया है। सेव फोल्डर पर क्लिक करेंगे तो जहाँ हमारा पिन कार्ड डाउनलोड रहेगा वहाँ हमको ले जाएगा। यह एक पीडीएफ फाइल में डाउनलोड होता है तो इसको ओपन करने के लिए हम जो पीडीएफ फाइल है उसे ओपन कर लेंगे। देखिए दोस्तों हम पीडीएफ फाइल को ओपन किए हैं तो यहाँ इंटर पासवर्ड मांग रहा है। तो पिन कार्ड का होता है पासवर्ड जो होता है वो होता है डेट ऑफ बर्थ को पूरा डाल देंगे दोस्तों। यहाँ डे मंथ ईयर तीनों को डाल देंगे दोस्तों। यहाँ हम स्लैश वगैरह का यूज नहीं करेंगे, नंबर ही डालना है। इसमें डेट ऑफ बर्थ ही डालना रहता है दोस्तों। जैसे हम डाल रहे हैं डेट ऑफ बर्थ 12091996 12 तारीख 9 महीना 1996 इस तरीके से डालना है दोस्तों और ओके कर देंगे तो ये अनलॉक हो जाएगा और इसे आप प्रिंट कर सकते हैं इस पैन कार्ड को, या आपके पास खुद ही प्रिंटर हो तो आप खुद कर सकते हो, या कहीं भी जाकर साइबर कैफे वगैरह में जाकर इसको आप प्रिंट आउट करवा सकते हैं और इसको हर जगह यूज कर सकते हैं, या आपका पैन कार्ड बनकर तैयार हो जाएगा। इस पैन कार्ड को प्रिंट कर आप कहीं भी यूज कर सकते हैं। इस पर आपको सिग्नेचर करने का भी जरूरत नहीं है क्योंकि इसके ऊपर एक बार कोड दिया जाता है जिसे स्कैन करके वेरीफाई किया जा सकता है। तो दोस्तों हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और किसी भी प्रकार का परेशानी हो अगर आपको पैन कार्ड बनाने में या डाउनलोड करने में तो हमें कमेंट जरूर कीजिए, हम आपको बताएंगे कहीं भी कुछ भी दिक्कत होता है तो। और इसी तरीके के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल घरेलू शिक्षा को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।